रूस के सारातोव में यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला, रिहायशी बिल्डिंग से टकराया ड्रोन, धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की आज आ सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 55 नामों का हो सकता है ऐलान। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मुहर। जाति जनगणना पर जारी है सियासी घमासान। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, तो मायावती ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाते हुए कांग्रेस को घेरा। गिरिराज सिंह ने कर्नाटक में जाति जनगणना पर राहुल से पूछा सवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कुछ देर में कोलकाता से पहुंचेंगे दिल्ली। अगले कदम पर अटकलों के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हो सकती है मुलाकात। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बताया राष्ट्रीय धर्म, कहा भारत का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। भारत का एक ही धर्म है वो सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने कबूलनामे से यू टर्न लेने की खबर। जेल सूत्रों के मुताबिक आरोपी बोला उसे फंसाया जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा। 10 दिन की पूछताछ और घर पर छानबीन के बाद सीबीआई के एक अधिकारी बोले बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ है, बस होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए मंदिरों में विशेष तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किए दर्शन। इसराइल की हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ बमबारी। नेतन्याहू की नसरल्ला और खमनेई को धमकी, कहा यह तो सिर्फ ट्रेलर है। ईरान बोला लंबी चलेगी जंग। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक झड़प। ढाका में सचिवालय के पास अंसार फोर्स पर शेख हसीना के एजेंट होने का आरोप लगाते हुए छात्रों का हंगामा, 40 लोग घायल। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित।